प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग भोजपुरी भाषा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा है और इस भाषा में फिल्में बनती हैं, लोग देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हमारे जो भोजपुरी के दर्शक हैं उनका मनोरंजन होता रहे और उनकी अपनी भाषा में होता रहे, क्योंकि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके सलाह से पहली फिल्म बनी थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। उन्होंने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि मनोरंजन का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है जब वो अपनी मातृभाषा में मिलता है। तो शुरुआत हुई, नाजिर हुसैन साहब ने बनाई थी भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो और वो बनती रही, चलती रही। आज आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारे जो भोजपुरी के दर्शक हैं सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में भोजपुरी सिनेमा देखते हैं, उसको प्यार करते हैं, सराहते हैं। तो हम लोग जो हैं लगातार अच्छे से अच्छे मुद्दे पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश में ये जो अरब है वो हमारी एक और कोशिश है कि हम एक मुद्दा प्रधान, एक सब्जेक्ट प्रधान फिल्म बना सकें और ऐसे ही लगातार हम काम करते रहेंगे। बस आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। एक्चुअली सिलवासा बहुत नज़दीक है मुंबई से, तो हम लोग बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर करते हैं और अब तो यहाँ ऐसा लगता है कि हम अपने घर में ही हैं, हम लोग कहीं बाहर गए ही नहीं, आउटडोर वाली फीलिंग ही नहीं आती, ऐसा लगता है अपने ही घर पर शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से यहाँ पर लोगों के साथ काम कर रहे हैं और इतने सब इतने फेमिलियर हो गए हैं। तो हमको जब भी यहाँ आना होता है, हमारे पास इतने लोग होते हैं कि अरे वहाँ आ रहे हैं भैया देख लीजिएगा आप, तो सब केयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे हमेशा घर की तरह फील होता है। और शूटिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है सिलवासा, बहुत सारे सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं और ऑडियंस भी यहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं वो भी बहुत हेल्पफुल और अंडरस्टैंडिंग है शूटिंग के मामलों को लेकर। जब उनको बोला जाए साइलेंस तो साइलेंट हो जाते हैं, उनको बोला जाए थोड़ा फील क्लियर करने तो कर देते हैं। तो शूटिंग फ्रेंडली जगह भी है और यहाँ पे जब भी आते हैं बड़ा मज़ा आता है। हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स को टच करते हैं जिसके बारे में हम सुनते तो रोज़ हैं, देखते रोज़ हैं, हमारी आँख के आगे हमेशा न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़पेपर्स में हमेशा ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जिनको हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन उस पर ऐसा फिल्म बनाने का प्रयास हर बार हर कोई नहीं कर पाता है। हम लोग एक पैटर्न हमारी इंडस्ट्री में लोग फॉलो करते हैं कि इस तरीके की स्क्रिप्ट, इस तरीके के गाने, इस तरह की फाइट चलती है तो यही बना के बना दिया जाता है। बट उस उतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को टच करने का प्रयास करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए रत्नाकर जी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। एंड वी आर ऑलवेज विथ हिम एज अ टीम और हम लोग हमेशा ऐसी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। यही कहना चाहूँगा कि अपने आप में यही काफ़ी है कि जैसा आम्रपाली जी ने बताया कि रत्नाकर कुमार जी अच्छे मुद्दे पे फिल्म बनाना चाहते हैं और ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने साथ साथ समाज का भी लाभ सोच सके, समझ सके, और वो ये सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद इसलिए ही लल्लू की लैला इनकी फिल्म अभी चल रही है और उसी सेट पे अरब का भी मुहूर्त हो गया, इतना अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने सुनाया कि हम लोग तैयार हो गए। नहीं तो हमारे साथ एक फिल्म करता है तो दूसरी फिल्म का डेट लेने में उसको 2 साल लगता है, फिर 2 साल बाद वो हमारे साथ काम कर पाता है या 1 साल बाद कर पाता है। पर लगातार कोई आदमी अगर मेरे साथ फिल्म बनाना चाहता है और बना पा रहा है तो उसके पीछे कारण यही है कि वो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं भोजपुरी सिनेमा को लेके जाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में सार्थक विषयों पे फिल्म बने, ताकि जो ये बात कही जाती है कि भोजपुरी में सिर्फ मसाला फिल्में बनती है वो लांछन दूर हो जाए। और इसमें मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ रत्नाकर कुमार जी को
जो इस दिशा में सोच रहे हैं और ऐसी फिल्म बिल्कुल वो तो देखिए क्या है, निरहुआ नाम जो है वो दर्शकों का दिया हुआ है। जैसा आम्रपाली जी ने बताया अभी कि दर्शक हमारे भगवान हैं और हमारे भगवान जो हैं अगर हमें कोई जिम्मेदारी देते हैं, वो हमें कुछ काम देते हैं तो हमारे लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जब भी हम उस नाम से फिल्म बनाए हैं, निरहुआ रिक्शा वाला हो, निरहुआ हिंदुस्तानी हो, निरहुआ चलल लंदन हो, तो उनके अंदर वो प्यार उमड़ जाता है पहले से ही कि हमने जो नाम दिया है उसी नाम से फिल्म आ रही है, तो वो देखने के लिए पहले से ही उत्सुक हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है और हमारे निर्माताओं के लिए भी, इसलिए शायद लगातार उस नाम पर। जी, निरहुआ हिंदुस्तानी 1, 2 और 3 को लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया कि जब आप ही लोग, मुझे लगता है राम जी आप ही शायद थिएटर के बाहर लोगों से पूछ रहे थे, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कहीं पे, आप पूछ रहे थे लोगों से कि कैसी लगी हिंदुस्तानी 3, तो वो ये नहीं बता रहे थे कि हिंदुस्तानी 3 कैसी लगी, वो बोल रहे थे हाँ हिंदुस्तानी 4 बनना चाहिए, बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम लोगों ने सोच लिया कि जब हमारे दर्शक चाहते हैं, हमने तुरंत जो हमारे डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर जी, उनको जो है काम पे लगा दिया और हिंदुस्तानी 4 की तैयारी शुरू हो गई है, बहुत जल्दी उसकी शूटिंग करेंगे। बस ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिए। ऐसी जब बातें सुनने को मिलता है कि उनको और फिल्म देखनी है और हम कोई भी, कोई गाना हो, कोई वीडियो हो, कोई चीज़ हो, कहीं भी अपलोड होती है उसको इतनी व्यूअरशिप मिलती है, तो इतना प्रोत्साहन मिलता है, इतनी ताकत मिलती है ना, ओवरवेलम से पागल ना हो जाऊं। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। बस ये प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। प्लैनेट भोजपुरी।